नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1025वां एपिसोड। आज 19 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल वर्ल्ड कप और एशिया कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। दोस्तों, एशिया कप में टीम इंडिया की स्क्वाड पर एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो भी बताएंगे। तो साथ ही दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में हाहाकार मच गया है, कुछ झगड़े हुए हैं गौतम गंभीर के, क्या पूरा मसला है वो भी बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही, चाहे 2024 का आईपीएल हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसा किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल दोस्तों, 30 तारीख से एशिया कप की शुरुआत हो रही है। इस साल का जो एशिया कप है वो पाकिस्तान और श्रीलंका की धरती पर खेला जाएगा। पाकिस्तान में भी एशिया कप के कुछ मैचेस होंगे और जो एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है वो पाकिस्तान में होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इस साल के एशिया कप का नियमानुसार होस्ट है। और इस ओपनिंग सेरेमनी के लिए जय शाह को इन्विटेशन दिया गया है। हालांकि दोस्तों, रिपोर्ट्स यही बोल रही है कि जय शाह पाकिस्तान नहीं जाएंगे अभी की स्थिति में, लेकिन ये जो इन्विटेशन दिया गया है ना, यही बहुत खास है, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान से इस तरह के आमंत्रण की, इनविटेशन की उम्मीद थी नहीं। जाहिर है एशिया कप है, पूरे एशिया का इवेंट है, दैट्स व्हाई उन्हें इनविटेशन देना भी था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों, एशिया कप में टीम इंडिया के स्क्वाड के ऐलान को लेकर। दरअसल दोस्तों, लगातार हर एक क्रिकेट फैन को इंतजार है कि आखिर कब स्क्वाड का ऐलान होगा। कल मैंने आपको बताया था कि 20 अगस्त को स्क्वाड का ऐलान होगा, लेकिन अब एक और नई अपडेट आ गई है। 21 अगस्त को दोस्तों अब स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। जहां तक दोस्तों प्लेयर्स की फिटनेस की बात है, जसप्रीत बुमराह 100% फिट हो चुके हैं, मैच फिट हो चुके हैं। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, इन दोनों को अभी तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन रिपोर्टेडली ये दोनों भी खेलेंगे, फिट हैं। तो चांसेस हैं इन दोनों के भी सिलेक्शन के अच्छे खासे, लेकिन 100% फिट केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अभी तक नहीं है। तो डर इसी बात का है जो कल मैंने आपको बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि 20 टूर्नामेंट में इनकी इंजरी रिलैप्स कर जाए। बाकी भाई जो होगा आगे देखा जाएगा, टीम इंडिया देखेगी, बीसीसीआई देखेगी और फैंस सब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, 21 अगस्त को ये बैठक होगी। एशिया कप की स्क्वाड का ऐलान होगा और रोहित शर्मा को इनवाइट किया गया है इस बैठक में। मतलब रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले हैं एशिया कप में, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। दरअसल दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो लाइक है ये एशिया कप के लिए नहीं बनता, ये वर्ल्ड कप के लिए बनता है। और ये जो बैठक होने वाली है ना 21 अगस्त को, जिसमें एशिया कप की स्क्वाड का ऐलान होगा, ये जो स्क्वाड का ऐलान होगा ये एशिया कप ही नहीं वर्ल्ड कप की भी प्राइमरी स्क्वाड होगी। क्योंकि दोस्तों, बीसीसीआई इसीलिए बैठक कर रहा है ताकि एशिया कप तो छोटा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप की पूर्ण रूप से तैयारी पर फाइनल स्टैंप लगाया जा सके। अभी तक दोस्तों वर्ल्ड कप के स्क्वाड पर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन इस बैठक के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की स्क्वाड कैसी रहने वाली है। तो 21 तारीख को ना सिर्फ एशिया कप, वर्ल्ड कप का भी एक तरह से प्राइमरी प्रोविजनल स्क्वाड हमें मिल जाएगा। तो 21 तारीख के लिए लाइक जरूर बनता है। साथ ही दोस्तों, टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि ये जो 21 तारीख की बैठक होगी इसको लेकर जो पिन पिन बराबर की रिपोर्ट लाइव अपडेट से, वो हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड आपको करेंगे। किसने क्या कहा, कौन सी स्क्वाड बनी, किसको लिया गया, किसको नहीं लिया गया और क्यों, सब कुछ कारण बताएंगे। डिटेल में इस मीटिंग की सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा फ्री में बनिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, से बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है एबी डिविलियर्स को लेकर। सबसे पहले तो यार, एबीडी के लिए लाइक बनता है, अगर नहीं किया वीडियो को तो कर देना। साथ ही दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2024 में फिर से वापसी के कुछ संकेत दिए हैं। हालांकि करेंगे या नहीं करेंगे वापसी, इस पर क्लियरिटी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, आई एम एन आरसीबी बॉय, विल सी सम रोल इन आरसीबी इन 2024, नॉट रेडी येट। मैं आरसीबी बॉय हूं, मतलब मैंने शुरू से आरसीबी को जो है लॉयल्टी शो की है। मैं 2024 में अगर किसी रोल में आता भी हूं तो आरसीबी में ही आऊंगा, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं, अभी रेडी नहीं हूं। ये बोल रहे हैं एबी डिविलियर्स। मतलब यार, इन्होंने दो तीन चीजें क्लियर कर दी। पहली चीज कि अगर वो आईपीएल में किसी भी टीम से जुड़ेंगे तो वो आरसीबी की टीम ही होगी। दूसरी बड़ी चीज, वो किसी भी रोल में आएंगे तो वो रोल मेंटर का ही रहने वाला है। लेकिन तीसरी बड़ी चीज, इन्होंने ये भी कहा कि वो अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, मतलब अभी तक उनका कन्फर्मेशन नहीं है।
क्या आना चाहिए एबी डिविलियर्स को, क्या बनना चाहिए मेंटर, बताइए आप कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय फटाफट लिखिए इस न्यूज पर कि एबी का रोल क्या रहना चाहिए और रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऐसे बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर। जसप्रीत बुमराह की वापसी हो गई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। जिस पल का हिंदुस्तान के हर एक क्रिकेट फैन को एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले इंतजार था वो पल आ चुका है, क्योंकि कल आयरलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह खेले और खेले तो इतने अच्छे फॉर्म में खेले कि हर एक हिंदुस्तानी खुश हो गया। 2 विकेट भी निकाले आयरलैंड के खिलाफ 24 रन देकर और मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। इंडिया ने भी इस पहले T20 मैच को जीत लिया। तो बहुत सारी खुशखबरी आयरलैंड से निकल कर आई। स्पेशली दोस्तों ये मैच जीतना भारत के लिए उतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आयरलैंड तो कमज़ोर टीम है, लेकिन भारत के लिए ज़रूरी था कि जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएं। और जसप्रीत बुमराह अगर वापस आते हैं तो भारत को बहुत आधार मिल जाएगा एशिया कप और वर्ल्ड कप में, क्योंकि टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप बहुत ज़्यादा शेकी था जसप्रीत बुमराह के बिना। अब आपको एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट मिलता है, इनिशियल ओवर में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज मिलता है और विकेट टेकर बॉलर मिलता है बुमराह के रूप में, जो कि टीम इंडिया को बहुत मजबूत कर देगा। तो बुमराह के लिए लाइक जरूर बनता है, नहीं किया है तो कर देना लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहां से बात करते हैं दिनभर की छठवीं बड़ी खबर की। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में सब कुछ सही नहीं है और छठवीं बड़ी रिपोर्ट आई है MSK प्रसाद को लेकर, क्योंकि अचानक से लखनऊ सुपर जायंट्स ने MSK प्रसाद को स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट के रूप में जो है वो नियुक्त कर दिया है और ऐसी स्थिति से गौतम गंभीर खुश नहीं है। रिपोर्टेडली दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भारत के पूर्व सेलेक्टर MSK प्रसाद को KL राहुल की अनुशंसा पर नियुक्त किया गया है। MSK प्रसाद KL राहुल के करीबी माने जाते हैं एंड दैट्स व्हाई लखनऊ सुपर जायंट्स के नए स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट होंगे MSK प्रसाद। क्या रोल होगा MSK प्रसाद का ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है ये कंसल्टेंट के क्या रोल होते हैं IPL जैसे टूर्नामेंट में तो आप बता दो भाई कमेंट बॉक्स नीचे ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उतना रोल कुछ रहता नहीं है। प्लेयर का फॉर्म, प्लेयर का प्रदर्शन ही मायने रखता है, स्पेशली क्रिकेट और IPL में। खैर आगे बढ़ते हैं, साथ ही बड़ी न्यूज की यहां से बात करते हैं। तो गंभीर खुश नहीं है, रिपोर्टेडली दोस्तों गौतम गंभीर अब छोड़ सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और वो जा सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर या किसी अन्य टीम में। रीजन भी दोस्तों यही है कि KL राहुल से गौतम गंभीर खुश नहीं है। रिपोर्टेडली दोस्तों KL राहुल ने MSK प्रसाद को जो कंसल्टेंट बनाया है इस फैसले से गंभीर खुश नहीं है। गंभीर के हिसाब से स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट की जरूरत नहीं थी, तो KL राहुल और गंभीर के बीच एक तरह से द्वंद्व की स्थिति बनी है, दैट्स व्हाई गंभीर छोड़कर जा रहे हैं, जो अभी की रिपोर्ट आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। एक दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं, ना ही लखनऊ ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान दिया है, ना ही गंभीर ने कोई अभी तक ऑफिशियल बयान दिया है। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान हमें लखनऊ की टीम या गंभीर के हवाले से निकल कर नहीं आया है, तो इस खबर की अभी फाइनल पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि KL राहुल और गंभीर के बीच सब कुछ सही नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की। तो इस खबर के लिए आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना, क्योंकि एबी डिविलियर्स ने इस साल के वर्ल्ड कप की अपनी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों के नामों का ऐलान किया। उन्होंने बताया इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आर फेवरेट, नॉट पाकिस्तान। तो एबी डिविलियर्स के अनुसार भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इस साल के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और इनकी बात से लगभग 70-80% मैं सहमत हूं। मैं भी दोस्तों, मुझे भी ऐसे ही लगता है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तो पहुंचेगी, साउथ अफ्रीका का भरोसा नहीं। बाकी यार ये मेरी राय थी, एबी डिविलियर्स ने अपनी राय दे दी। आपकी राय आप लिख दो कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी वो 4 टीमें होगी जो वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेलेगी, और कारण भी लिखना हर एक टीम का। कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है, फटाफट अपनी राय लिख दो नीचे ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। सबा करीम जो कि भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर से, उन्होंने बड़ी बात कह दी IPL को लेकर। उन्होंने कहा पिकिंग प्लेयर्स फॉर ODI बेस्ड ऑन IPL इज रॉन्ग, ODI क्रिकेट में IPL के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन करना गलत है। दरअसल दोस्तों लगातार एशिया कप की स्क्वाड के ऐलान से पहले एक खबर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि तिलक वर्मा की भी ODI स्क्वाड में एंट्री हो सकती है, नंबर 4 के वो भी दावेदार है। सबा करीम ने यही कहा कि तिलक वर्मा की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो IPL प्रोडक्ट है और ODI क्रिकेट में काम नहीं आएंगे। यार देखो, सबा करीम कुछ बोल रहे हैं, एंट्री होगी या नहीं होगी ये भी हमें नहीं पता, लेकिन आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ना। आप बताओ क्या होनी चाहिए एंट्री तिलक वर्मा की, क्या सबा करीम सही बोल रहे हैं, पूर्व सेलेक्टर है, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से बात करते हैं दिन में की 10वीं बड़ी खबर की। तो एशिया कप को लेकर एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। एशिया कप की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग आप Disney Hotstar पर देख पाएंगे। तो जिस तरह से
आईपीएल में मजा आया था, खूब मजा डिज्नी हॉटस्टार पर आएगा, फटाफट डिज्नी हॉटस्टार को स्विच इन कर लेना। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।